Subscribe to Shemaroo and click the bell icon to never miss an update. ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं सरकार, सरहदी चौकी पर उनसे हमारी झड़प हुई। उसके आदमियों ने हमारे सिपाहियों को खत्म कर डाला। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहां पहुंचा हूं सरकार। ले जाओ और इसकी मरम पट्टी का बंदोबस्त करो। तैयारी की जाए। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलना खतरनाक है। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। क्या हुआ मानसिंह? संग्राम ने हमला कर दिया महाराज। सेनापति कहाँ? वो गद्दार संग्राम के साथ मिल चुका है महाराज।
और मैं फूट पड़ चुकी है, आप इसी वक्त निकल जाइए महाराज। राम सिंह तुम इन्हें रोको। आइए महाराज। दरवाजा खोलो। चलिए महाराज। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। खत्म कर दो इसे। अच्छा भद्दा। चलो, ये बुढ़ा बचकर जाएगा कहां? मैं प्रजा की तरफ से अपने नए महाराज संग्राम का स्वागत करते हुए उन्हें यकीन दिलाता हूं कि हम आखिरी सांस तक इनके वफादार रहेंगे। हमें आप लोगों से यही उम्मीद थी। महाराज संग्राम भैया, हम चाहते हैं कि आपकी फतेह की खुशी धूमधाम से मनाई जाए। हाँ सेनापति, जश्न सरकारी तौर पर मनाया जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी माली हालत इसकी इजाजत नहीं देती। तो क्या पिछले महाराज ने सारा खजाना खाली कर दिया था? उनकी लापरवाही और राजनीति ने खजाने को कभी भरने ही नहीं दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोगों की भलाई के लिए अपनी रियासत के खजाने को भर देना चाहते हैं। जाओ, आज ही से लगान वसूल करना शुरू कर दो। हम अपनी रियासत की गुर्बत दूर करना चाहते हैं। नगरवासियों, नए महाराज को प्रजा की भलाई के लिए रुपयों की सख्त जरूरत है, इसलिए लगान कुछ बढ़ा दिया गया है। हमें उम्मीद है कि नए महाराज के इस फैसले से आप लोगों को खुशी हुई होगी। बड़ी खुशी हुई है, और इसी खुशी को बढ़ाने के लिए हम महाराज को लगान देने से इनकार करते हैं। गुस्ताख, लगान वसूल करो। चलो
लड़की अंधी मालूम होती है। अंधेर तो तुम लोगों ने मचा रखा है जालिमो, भगवान से डरो। भगवान से? अब कहाँ जाओगी बच्चे? रुक जा कमीने, रुक जा कमीने। टिंगू होश में आओ टिंगू। शांता शांता टिंगू, अरे बहन टिंगू शांता। ये क्या पागल है? देखो राजा, उस जालिम ने मेरी बहन को जला दिया है। आज देश की हर बहन, हर माँ, हर बेटी के साथ ये सलूक हो रहा है। मगर मैं अपनी बहन की मौत का पता जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। जरूर, अब झोंपड़ियों की ये आग महलों को जलाकर राख कर देगी टिंगू। अगर तुम लोग लगान नहीं दोगे तो तुम्हारे इन तीनों साथियों को जान से मार दिया जाएगा। मैं पांच तक गिनता हूं। एक, दो, तीन। ठहरो, हम लगान देने के लिए तैयार हैं। इन्हें छोड़ दो। रुक जाओ, खोल दो इन्हें। सिपाही लोगों से जबरदस्ती लगान वसूल कर रहे हैं और जो देने से इनकार करता है उसे बुरी तरह से मारते हैं। चलो टिंगू। अरे खाना तो खा ले बेटा। पहले संग्राम के वफादारों से निपट लूं, फिर खा लूंगा। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। आइंदा खाली हाथ आया तो याद रखना, इसकी माँ का है, वो तो कब से मर चुकी है। अरे इससे पहले तुम क्यों नहीं मरा? चलो ठीके, शाबाश। Come on!
इसने दो आदमियों को जाने को देखा। ये लो थैली और सबका माल वापस कर दो। झुक झुक जियो बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ओहो काका, हम सुखी कैसे रह सकते हैं, ये माल तो सारा तुमने ले लिया। भाइयों अपनी अपनी चीजें ले लो। कौन था वो, हम पूछते हैं कौन था वो? पता नहीं सरकार, बिजली की तरह आया और बिजली की तरह गायब हो गया। कौन गायब हो गया भैया? हमारा दुश्मन। आपका दुश्मन? वो कौन है जिसने आपसे टक्कर लेने की हिम्मत की? इस रियासत में अब भी कुछ ना समझ लोग मौजूद हैं राजकुमारी जी। सेनापति, प्रजा के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, अब नरमी से काम नहीं चलेगा। हमारा हुक्म है कि सरकशों को मिटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए। बाहर आ गई।
आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं राजकुमारी जी। जी हाँ, लेकिन आपको देखे सारी खुशी भाग गई। आप हुक्म करें तो मैं अभी चला जाता हूँ। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ऐसा ना कहिए राजकुमारी जी, आप हुस्न के बाग की एक नाजुक कली है और मैं भंवरा बनकर आपके आस पास मंडलाना चाहता हूँ। सेनापति जी, आप भंवरा बन के नहीं मच्छर बन के मेरे आस पास मंडला रहे हैं। चोर कहीं का? चोर तुम हो, चोर हम नहीं, चोर संग्राम है। दलील कमी है। इन फलों से तुम्हारा क्या पेट भरेगा? भूख लगी है तो महल में जाकर दाव से खाओ। महल की दाव के लायक यहाँ है कौन? ठीक फरमाया आप, इसके लायक तो सिर्फ हम हैं। हेमू और मसूर की दाल आए? आपके महल में मसूर की दाल खाई जाती है? छी 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 छी, अजी मसूर की दाल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खामोश बदतमीज। सेनापति जी, इसे मालूम नहीं कि आपके महल में मसूर की दाल नहीं, गरीबों की बोटियां चबाई जाती है, इंसानों का लहू पिया जाता है। तो फिर आइए ना किसी दिन और महल की दावत का मजा चखिए, जिंदगी भर याद रहेगा। आपकी दावत सारा खूब है, हम आज ही रात को आपके महल में जरूर तशरीफ लाएंगे। अच्छा, ये क्या करता है? हे भैया, हे बहुत छोटी सी थी। अरे क्या बात है बेटा, आज तो आईने के सामने से उठता ही नहीं। ओहो माँ, तुम दरअसल नहीं समझती हो, दरअसल बात यह है कि आज हम दोनों की महल में खाने की दावत है, इसलिए जरा बन ठन रहे हैं। महल में खाने की दावत? दिमाग तो ठीक है ना? अपना दिमाग तो ठीक है माँ, लेकिन आज मैं संग्राम का दिमाग ठीक करने जा रहा हूँ। राजा बेटा, संग्राम के पास ताकत है तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। राजा, मैंने भी तेरा दूध पिया है माँ, ऐसे वैसे संग्राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी बात मान ले बेटे, मत जा, संग्राम तुझे गिरफ्तार कर लेगा। मुझे गिरफ्तार कर लेगा? मैं संग्राम के महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अपने दूध पर भरोसा रखो माँ। राजा, तो नाम राजा है उसका? जी हाँ महाराज, बड़ा मामूली सा आदमी, जिसने महल में आकर हमारे साथ दावत खाने का वादा किया है वो आदमी मामूली नहीं हो सकता सेनापति। वो गांव का चूहा महल में क्या आएगा महाराज, ये दावत का इंतजाम तो सिर्फ राजकुमारी जी की जिद पूरी करने के लिए किया। राजा वादे के मुताबिक हाजिर है महाराज। तुम वाकई बहादुर हो राजा, हम तुम्हारे आने के अंदाज से बहुत खुश हुए। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिलाओ हाथ। खाना शुरू करो राजा। मैं आप लोगों के साथ यहाँ गरीबों की बोटियां चबाने नहीं आया राजा, मैं ये बताने आया हूँ कि रियाया आप और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, इस नकली महाराज संग्राम का हुक्म नहीं मानेंगे। जबान काफी लंबी है और दिल भी काफी बड़ा है। बड़े दिल वालों को कुचलने के लिए हमारे पास ताकत भी है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो। Bye!
मैं यहाँ खुद नहीं आया, आपका ये हुस्न मुझे यहाँ खींच लाया है। बदतमीज। बदतमीज का मतलब ये है कि आप मुझे कुछ कुछ पसंद करने लगी हैं। नालायक। ओहो, आपकी पसंद बढ़ती जा रही है। निकल जाओ यहाँ से। इसका मतलब है आपने मुझे दिल में जगह दे दी है। चले जाओ यहाँ से। चला जाता। यहाँ से नहीं, वहाँ से। शुक्रिया। चांटा खाने के लिए फिर हाजिर हो जाऊं। कहाँ है वो बदमाश? मेरी मुट्ठी में। ओह, तो राजा तुम्हें चकमा देकर भाग गया? हमने बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन वो हाथ ना आ सका। एक मौका और दिया जाए महाराज, हम उसे जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। राजा को गिरफ्तार करना तुम्हारे बस की बात नहीं सेनापति। बेहतर यह है कि रियासत में ऐलान कर दिया जाए, राजा को जिंदा या मुर्दा पेश करने वाले को 5,000 सिक्के इनाम दिए जाएंगे। जी, जो हो। राजा भैया, मेरा कहा मानो तो अब भी घर लौट चलो, है क्या ख्याल है? ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन वहां गांव में सिपाही हमारे इंतजार में खड़े होंगे। ये तो ठीक है, मगर किया क्या जाए, यहाँ तो भूख के हमारे पेट का बुरा हाल हो रहा है। तो भूख मिटाने के लिए थोड़ा पानी खा लेते हैं, मेरे बदले पी लेते हैं और मैं नहा भी लेता हूँ। पानी पी लेते हैं। अरे, पानी से पेट की भूख थोड़ी मिटेगी। ज्यादा भूख लगी है तो ऐसा ही होता है, अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद पराठे भी नजर आएंगे। पराठे, राजा भैया, पराठे।
राजे। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया। राजा भैया तुम्हें मेरी कसम है, तुम आके खुद देख लो। ये पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या किधर है? हाँ वो देखो राजे। खा मत, खा मत। क्यों? इधर जी भर के देखने दो, बहुत दिनों के बाद रोटी देखी है। अबे छोड़, खाना। ये मिर्ची भी दीजिए ना। ये तुम खाओ, हम सब पराठे खाएंगे। अबे पराठे के बच्चे। बहुत खूब, क्या बात है। जैसे शरीफों का काम है। क्या नाम है तुम्हारा? बलवंत। बलवंत, आज देश को तुम्हारे जैसे बहादुर नौजवानों की जरूरत है। हमें अपने देश से जालिम संग्राम को निकालना। मैं भी उसके जुल्म का शिकार हो चुका हूँ। बदला लेना चाहते हो तो हमारा साथ दो। मेरी जान हाजिर है। तो फिर मिलाओ हाथ। किया जाता है कि बागी राजा को जिंदा या मुर्दा पेश करने वाले को 5,000 सिक्के इनाम दिए जाएंगे। ये
नहीं साहब, अंदर एक शराबी ने बड़ा उधम मचा रखा है। अरे कमाल है, वो किसी को अंदर ही नहीं आने देता। अरे ये तो और भी कमाल है। आप लोग एक शराबी से डरते हैं? अरे वो शराबी है, कोई शेर थोड़ी है। ठीक है, ये बात है। आगे जाओ। शाबाश शाबाश मेरे शेर, शाबाश शाबाश। बिरजू तू अचानक नहीं, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ राजा। बिरजू का बच्चा है, बच्चों को मारता है। हाथ तो उसी का मालूम होता है। अरे कोई परवाह नहीं, किधर है? किधर है? ए इधर आ। हां ये तो फिर आ रहा है। अरे जो भाई उस तरफ ये हाथ तो राजा का मालूम होता है। हे राजा भैया, ये तो थोड़ा थोड़ा पहचानने लगा, एक और दो पूरा पहचान जाएगा। तुम ऐसा नहीं मानोगे? ये राजा मेरा दोस्त। राजा मेरा जिगरी दोस्त। अरे भाई आ जाओ, अब ठीक हो गया। अरे राजा तू कहाँ चला गया था, मैं तुझे कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है लाला? अरे लाला तुम कैसी शराब बेचते हो, पीते चढ़ जाती है। अरे दो हाथ पड़ते हैं तो उतर भी जाती है। लाला जी अब इनसे पैसे मत मांगना। अच्छा? क्योंकि इनकी उतर चुकी है। राजा पैसे देता भी कौन था। थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ खाने वाने को मिलेगा? हाँ हाँ सरकार जरूर मिलेगा, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आ जरा, आओ बैठो। बीच में कहाँ घुसता है बैठ। अरे राजा मैंने सुना है तो संग्राम के खिलाफ लड़ रहा है। तूने ठीक सुना है दोस्त, तो मुझे भी अपना साथी बना ले, मैं भी उसके खिलाफ। लेकिन तेरे जैसे शराबी का क्या भरोसा? अब तो उतर गई है दोस्त,
अगर तूने फिर पी तो। अरे तो राजा भैया दो हाथ मार के फिर उतार देना, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। सच? बिल्कुल सच। तो फिर मिला हाथ, हम सब हैं साथ। पीछे शर्म नहीं आती, हंसता है। मतवाले राही जिस राह पे बढ़ते जाएंगे, जुल्मों का अंधेरा चीर के हम एक नया सवेरा लाएंगे। हम प्यार के मतवाले राही, किनारा कोई नहीं। ठुकराए जिनको ये दुनिया, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको गले लगाएंगे। हम प्यार के मतवाले राही जिस राह पे बढ़ते जाएंगे, जुल्मों का अंधेरा चीर के हम एक नया सवेरा लाएंगे। प्यार के मतवाले राही, हम हर लब पर हंसी सजा देंगे। खुदगर्ज समाजों के झूठे ये रस्म रिवाज मिटा देंगे, हर दिल का अधूरा सपना हम पूरा करके दिखलाएंगे, पूरा करके दिखलाएंगे। हम प्यार के मतवाले राही जिस राह पे बढ़ते जाएंगे, जुल्मों का अंधेरा चीर के हम एक नया सवेरा लाएंगे। हम प्यार के मतवाले राही। पैसे? क्या कहा? पैसे? नया आदमी मालूम होता है, इसे पैसे दे दो। पैसे? अबे मर जाएगी तुम लोग, काम अच्छी तरह करते रहो। काम तो अच्छी तरह करते रहो। ना लगा दिया क्या? जी हुजूर, बिल्कुल तैयार है। ले चलो सर। लेकिन हुजूर मेरी मजदूरी। क्या कहा? मालूम होता है इस गांव में नए आए हो, सरकारी काम के पैसे मांगते हो। हुजूर ये पेड़ तो सरकारी नहीं है, इससे तो मेहनत मजदूरी करके भरना ही पड़ता है। एक रोज नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा? मरेगा नहीं, मारेगा। देख सकते हो Yeah!
में शामिल होना पड़ेगा। वो किस लिए? संग्राम के पंजे से वतन को आजाद कराने के लिए। संग्राम? मैं तैयार हूं। तो फिर मिलाओ हाथ। हम है पंच रतन। पंच रतन जिंदाबाद। खबर मिली है कि विजयगढ़ के राजकुमार रियासत में पहुंच चुके, परसों तक राजधानी में पधारेंगे। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। सेनापति, राजकुमार के स्वागत का शानदार इंतजाम किया जाए। मगर ये राजकुमार है कौन? है एक बेवकूफ। हम अपनी रियासत को ताकतवर बनाने के लिए उसकी दौलत से फायदा उठाना चाहते हैं। हे राजा भैया, ये कच्ची तरकारी और फल खाते खाते तो अपना नाक में दम आ गया। हे यार कालू, तुम लोहा तो भून सकते हो, कोई मुर्गा मुर्गा नहीं भून सकते? अबे मैं लोहार हूँ, कोई बावर्ची नहीं। मैं मुर्गा भून नहीं सकता, मुर्गा बना सकता हूँ। राजा भैया, अपने ग्रह में अगर एक बावर्ची शामिल करने तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छे राजा भैया, अपने बिरजू उस्ताद की खोपड़ी भी कभी कभी काम कर जाती है। जब कभी ये सर की मालिश कर लेता है। देखो तो ये कौन है? अभी देखता हूँ राजा भैया। संभालना जरा। अबे जल्दी जा। राजा भैया, कोई खंडर सवार घोड़े की तरफ तेजी से जा रहा है। क्या बकते हैं? मेरा मतलब है कोई घोड़े सवार खंडर की तरफ तेजी से जा रहा है। जाओ पता लगाओ कि वो कौन है। पता लगाओ। हेलो, है कौन है भाई? अरे मैं हूँ। अंदर क्या जा रहा है? कौन है तुम? है जी, बात यह है कि मैं जंगल का एक जानवर हूँ और परदेश में लटक रहा हूँ। क्या? अरे मेरा मतलब है कि मैं एक परदेशी हूँ और जंगल में भटक रहा हूँ। यहाँ भटकना मना है। अच्छा, तो फिर आप ही बता दीजिए कि कहाँ भटकूँ। जहन्नुम में। हाँ जहन्नुम में, अच्छी बात है। अबे उधर कहाँ जा रहा है? इधर। ये जहन्नुम का रास्ता नहीं, ये विजयगढ़ के राजकुंवर का खेमा है। ओ, विजयगढ़ के राजकुंवर का खेमा।
है, मगर ये तो बताइए कि विजयगढ़ के राजकुमार यहाँ किस चक्कर में पधारे? मैं महाराज संग्राम की बहन के साथ मंगनी करने आए। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। इधर इधर चल, इधर इधर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये टिंगू पता लगाने के गया, खुद ही लापता हो गया है। राजा भैया, राजा भैया, चल गया पता, चल गया पता। वो घोड़ सवार विजयगढ़ के राजकुमार का सिपाही था, और वो राजकुमार संग्राम की बहन से मंगनी करने जा रहा है। ओ राजा भैया, राजा भैया, तुमने तो परेशान कर दिया, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इसलिए माझी ने कहा है घर के आसपास सख्त पहरा लगा है, कुछ दिनों तक जंगल में ही रहो। है जंगल में रहो? इस जंगल में? अरे फिर तो अपना राम राम सत्य है। फिक्र ना करो टिंगू, अरे हम लोग महल में रहेंगे। है महल में? राजकुमारी हमें देखकर सचमुच मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगी। हजूर जम जाएगी। तकलीफ बात। अबे गधे, इस दाढ़ी को देखकर राजकुमारी जमेगी नहीं बल्कि उबल पड़ेगी। इधर आ खांजी, हम दाढ़ी बनाते हैं। हजूर आप? अरे क्यों, क्या हम हजामत नहीं बना सकते? जवाब दे, जवाब दे, तकलीफ बात है। हजूर आप तो अब्बल दर्जे के हजाम है। तकलीफ बात है। तकलीफ बहुत है, तकलीफ बहुत है, अभी दूर हो जाएगी। चलो मेरे भी दाढ़ी लगा दो। दाढ़ी? बाल कहाँ से लाऊं? ये किस दिन काम आएंगे? क्यों भाई, नहाता नहीं है? सेनापति, राजकुमार के स्वागत की तैयारी मुकम्मल हो गई? जी, मैंने सब तैयारियां मुकम्मल कर ली। शाबाश। जो ही राजकुमार राजधानी में कदम रखेंगे, हर तरफ से उन पर फूल बरसाए जाएंगे, चारों तरफ खुशी के शारे आने बजेंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। महाराज, विजयगढ़ के राजकुमार महल में दाखिल हो चुके हैं। मगर वो तो कल आने वाले थे, आज कैसे आ गए? आपके पापी प्रेम ने हमें पागल कर दिया, और हम नाचते झूमते यहां तक चले आए। आपने आने की इत्तला नहीं की। इसलिए? इसलिए कि हमने आपके स्वागत का शानदार इंतजाम किया हुआ था।
ऐसी छोटी छोटी बातों पर बड़े आदमी ध्यान नहीं दिया करते। क्यों सेनापति जी, ठीक है ना? आप इन्हें जानते हैं? जी आप, अजी हजूर आप तो सूरत से सेनापति मालूम होते हैं। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे और तुझसे अंधे को क्या है नजर और क्या देखे। क्यों सेनापति जी, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। महाराज हमारे मित्रों से मिलिए। मित्रों से? आपके मुहाफिज कहाँ है? वो तो बार हवा खा रहे हैं। ये है टिंगू से अनजानगढ़ के महाराज। अनजानगढ़? लेकिन ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी तो आपने दुनिया में देखा ही क्या है सेनापति जी, अभी तो आप बच्चे हैं। ये है अंतर सिंह जी मंत्र, चंतरगढ़ के महाराज। चंतरगढ़? मगर ये है कहाँ? आप ही की रियासत में। हुजूर आप गधे, आपके गधे और घोड़े हमारे जंगल में चरने के लिए आते हैं। हमारे घोड़े? अच्छा हुजूर, अगर आपको घास खाने का शौक हो तो आप भी चरने आ सकते हैं। हमारे जंतर सिंह मंत्र सिंह अंतर आपसे पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे। महाराज बालिका कहीं नजर नहीं आ रही? बालिका? मेरा मतलब राजकुमारी से। जी हाँ, दोपहर के वक्त है, कहीं खाना पका रही होगी। राजकुमारी भी कहीं खाना पकाती है? जी हाँ, भला राजकुमारी भी कहीं खाना पकाती है? खाना पकाने वाले तो महाराज होते हैं। क्यों जंतर सिंह जी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मालूम होता है आप लोगों की कुछ तबीयत खराब है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। राजकुमार जी आप आराम कीजिए, बाद में तफसील से बातें होंगी। अच्छी बात है, अच्छी बात। ये राजकुमार जरूरत से ज्यादा बेवकूफ मालूम होता है। जी हाँ, हर बड़ा आदमी बेवकूफ होता है। क्या कहा? जी 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 कुछ नहीं, मेरा मतलब यह है कि बिल्कुल बेवकूफ है, खानदानी बेवकूफ। बड़ी शान से भैया ले गए मुझे सिखाने। विजयगढ़ का राजकुमार लंगूर, और जब खाता है अंगूर। यहाँ क्यों आए हो? हाय हाय, यही तो आपने राजा से कहा था जब वो आपके कमरे में दाखिल हुआ था। तुम राजा को जानते हो? अजी यूं समझिए कि राजा में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि राजा मेरा जिगरी दोस्त है। बचपन में हम दोनों इकट्ठे कबूतर उड़ाया करते थे। कबूतर? हाँ हाँ कबूतर। कुरकू 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 कुरकू। अरे तुम रो क्यों रहे हो? ओहो आखिर हुआ क्या? सच कहता हूँ, तुम्हें देख के आज मुझे अपनी माँ याद आ रही है। क्या बकते हो? बेचारी मेरी शादी की तमन्ना दिल में लेके मर गई। आज अगर जिंदा होती तो कम से कम हमारी शादी तो देख लेती। हमारी शादी? क्या मतलब? मेरी और तुम्हारी और किसकी? चले जा वरना गिरफ्तार करवा दूंगी। हे मैं तो पहले ही तुम्हारी जुल्फों में गिरफ्तार हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे? ठहरो ठहरो, ऐसे नहीं। लो अब मारो। तुम? मैं भी सिपाहियों को बुलाऊं। अगर आपने राजा को गिरफ्तार करवा दिया तो भैया आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। राजा को तो आप अभी भी गिरफ्तार करवा सकती हैं, वो यही मौजूद है। कहाँ है वो? आप आंखें बंद कीजिए, वो बागी आपके सामने होगा। ओह सब जादू कर दिए हैं। हम बड़े करामाती हैं राजकुमारी जी, आप आंखें तो बंद कीजिए। लो आंखें खोलिए। तो चले जाइए यहाँ से। क्या आज सब सिपाही छुट्टी पर हैं? मैं कहती हूँ चले जाओ हमारे महल से। आप कहती हैं तो जान से भी चला जाऊं, लेकिन कल मुझसे, मेरा मतलब है विजयगढ़ के राजकुमार से, आपकी सगाई होने वाली है। सगाई? और तुम जैसे डाकू से? भैया सब चौपट हो गया, चलो भाग चलो यहाँ से। तुम्हारी गाड़ी भी हाथ में, लेकिन घबराओ नहीं, वो संग्राम से नहीं कहेगी। भैया अगर कह दिया तो संग्राम के महल में संग्राम होगा। ¶¶
حاضرین دربار آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ آج راج کماری چندرلیکھا کی سگائی کی رسم ادا ہونے والی ہے سرکار کیا ہے کوئی راج کمار مہاراج سے ملنا چاہتے ہیں راج کمار ان سے کہہ دو کہ مہاراج کو فرصت نہیں ٹھیک کبھی ہے تو ہاں سینپتی جی بیان جاری رہے ہاں ہاں تو میں क्या कह रहा था आप यही कह रहे थे कि राजकुमारी जी की सगाई हाँ आज राजकुमारी जी की सगाई की रस्म अदा होने वाली महाराज क्या है वही राजकुमार महाराज से मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं कह दिया ना कि फुर्सत नहीं है ऐसे फटीचे राजकुमार बहुत घूमते सबके लेकर बाहर निकाल दो तो हाँ सेनापति जी बयान जारी रहे हाँ तो मैं क्या कह रहा था राजकुमारी जी की सगाई हाँ राजकुमारी जी की सगाई की रस्म अदा होने वाली अब मैं आपको राजकुमारी जी के मंगेतर विजयगढ़ के राजकुमार से मिलाता आप हैं विजयगढ़ के राजकुमार महाराज ये झूठ है ये गुंडा है बदमाश है धोखेबाज है विजयगढ़ के असली राजकुमार है इसकी दाढ़ी नकली है ये पक्का है महाराज ऐसी शरीर बना दाढ़ी नकली कैसे हो सकती है नकली बहुत है ऐसे चलो Oh, my God.
Sangram!
सेनापति, राजा को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। तुमने जिंदगी में इतनी जिल्लत कभी नहीं उठाई। महाराज, हम राजा से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। सेनापति, राजा जहां भी मिले उसका सर उड़ा दो और उसकी मां को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। जी। क्या तकलीफ बहुत है। हमने इस धरती पर जन्म लिया और हम इस धरती पर पलकर जवान हुए हैं। इतने हुए हैं हम अपनी प्यारी धरती पर संग्राम की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जालिम संग्राम के पंजा से वतन को आजाद करवाना है। बोलो, क्या तुम लोग हमारा साथ दोगे? हाँ, देंगे। तो फिर सौगंध खाओ। संग्राम के सिपाही तुम्हारी माँ को गिरफ्तार करके ले गए। माँ, राजा, ये क्या कर रहे हो? हम चंद निहत्ते राजमहल के सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें हर कदम सोचकर उठाना चाहिए राजा। हम माँ को जरूर आजाद कराएंगे। तुम्हारे बेटे ने रियासत के कानून तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। अब तुम्हें कौन छुड़ाता है हम देखते हैं। गरूर का सर नीचा होता है। आप खुद ही मजबूर होकर मुझे आजाद कर देंगे। खामोश बुढ़िया। अगर राजा को गिरफ्तार नहीं करना होता तो हम तुम्हें इस बदतमीजी का मजा चखाते। शायद आप नहीं जानते, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ले जाओ इस बुढ़िया को और डाल दो कारखाने में। विक्रम, भैया, हम कुछ दिनों के लिए रंग महल जाना चाहते हैं। क्यों? यह हमारा जी नहीं लगता। आजकल रियासत में राजा ने लूट मार मचा रखी। तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ गया तो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी जी को खैरियत से रंग महल पहुंचा दूंगा। लेकिन भैया, सेनापति को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? नहीं, सेनापति तुम्हें छोड़ने जाएंगे। अच्छा।
राजकुमारी जी, अब हमें भी खिदमत का मौका दीजिए, आइए। आइए आइए आइए, आपकी सेवा के लिए मैं हाजिर। अरे देखो खाने देना। आलू मुर्गी लाओ। अरे खाओ, हम नहीं खाते। पहले मेहमानों को लीजिए सेनापति जी, ये मुर्गिया है। मुझे भूख नहीं है। खाइए खाइए सेनापति जी खाइए, इसमें एक मुर्गी है जो कल तक आप ही की तरह मुर्गों का सेनापति था, बेचारा आप ही की जात का था। इनको तो शाही दस्तरखान के टुकड़े तोड़ने की आदत है, ये खाना कैसे अच्छा लगेगा। आप भी खाइए ना। हम लूट का माल नहीं खाते। राजकुमारी जी, आप हम लोगों को लुटेरा समझती हैं, डाकू समझती हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आपको मालूम नहीं। आइए मेरे साथ। अब तुम्हारा हाथ कैसा है मौसी? अब अच्छा है बेटा, तुमने मेरी बड़ी मदद की, मुझे भीख मांगने से बचा लिया। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे बेटा। उस पर भरोसा रखो मौसी, सब ठीक हो जाएगा। राजा बेटा, राजा बेटा, क्या है रामू काका? कल मेरी बेटी ससुराल जा रही है। संग्राम ने तो मुझे तबाह कर दिया था, लेकिन तुमने मेरी बेटी का कन्यादान करके मुझ गरीब की लाज रख ली। ये तो मेरा फर्ज था काका, राधा मेरी बहन की तरह है। भगवान तुम्हारा साया हमेशा हम पर कायम रखे। इस दुखी दुनिया में तुम ही तो हमारा सहारा। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। हमने तुम्हें गलत समझा था राजा, हमें माफ कर दो। लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? आपको हमारी महफिल में शरीक होना होगा। हमें मंजूर है। तो आइए।
महल में बुलवाना चाहता है तो मेरी माँ को आजाद कर दे। आ गया तुम दोनों के खोपड़ी में, ले चलो। हेलो राजा, संभाल के ले जाना सेनापति जी को, क्योंकि बहुत नाजुक है। तो तुम राजा के अड्डे पर पहुंचकर भी उसके रास्ते का पता नहीं लगा सके सेनापति? जी महाराज, इतने मोटे कपड़े की पट्टी आंखों पर बंधी थी। राजा की मां को रिहा कर दिया जाए। लेकिन लेकिन महाराज, सेनापति हुक्म की तामील हो। क्या आप रो रही हैं राजकुमारी जी? हाँ, राजमहल याद आ रहा होगा। समझ गया, शायद नानी याद आ रही है। बेटा। माँ। राजकुमारी जी, आपके भाई ने हमारी मां को रिहा कर दिया है, अब आप भी महल जाने की तैयारी शुरू की। हाँ राजकुमारी जी, मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। मैं महल नहीं जाना चाहती राजा। क्यों? तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो। मैं सब समझता हूँ राजकुमारी, लेकिन मोहब्बत पर अपना फर्ज कुर्बान नहीं कर सकता। राजा, है राजा, हमारी तैयार है। चलिए राजकुमारी जी। जाओ राजकुमारी, हम बहुत जल्द मिलेंगे। आइए। महाराज, तकलीफ बहुत है, अब हमें आप मत रोकिए, हम अभी राजकुमारी जी को राजा के पंजे से छुड़ा कर लाते हैं। लेकिन कुंवर जी, जाते हुए अपने साथ राज वैद्य को भी लेते जाइएगा। अब वो क्यों, तकलीफ बहुत है। मरम पट्टी के लिए। सेनापति, तुम्हें मजाक की सूझ रही है और हमें चंद्रलेखा की फिक्र हो रही है। भैया। चंद्रा, तुम अच्छी तो हो, उस जालिम ने तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? नहीं भैया, वो बहुत अच्छा आदमी है, मुझे महल से ज्यादा वहां आराम था। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजा बहुत धोखेबाज आदमी है, तकलीफ बहुत है, उसने जरूर आपको अपनी मीठी बातों से लुभाया होगा। उसने मीठी बातों से नहीं, कड़वी बातों से लुभाया, सच्ची बातों से। चंद्रलेखा, तुम जाओ, आराम करो। अच्छा भैया।
हम राजा को बड़ी आसानी से गिरफ्तार कर सकते हैं। वो कैसे? महाराज, आप राजकुमारी के स्वयंवर का ऐलान करवा दीजिए। ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी की शादी तो हमारे साथ होने वाली है। स्वयंवर का जाल तो सिर्फ राजा को गिरफ्तार करने के लिए बिछाया जा रहा है, राजकुमारी की शादी तो आप ही से होगी। तो फिर ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, तकलीफ बात है। तकलीफ रफा हो जाएगी। सेनापति, राजकुमारी के स्वयंवर का ऐलान इसी वक्त किया जाए। नगरवासियों, महाराज संग्राम के तरफ से ऐलान किया जाता है, ये कल शाही अखाड़े में कुश्ती का एक मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में शाही पहलवान को जो भी शिकस्त देगा, राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में दिया जाएगा। रियासत का हर बाशिंदा इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। सुना तुमने धनीराम? तो राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। मुझे तो ये संग्राम की चाल मालूम होती है। कैसी चाल? कैसी चाल? अरे राजा को गिरफ्तार करने की चाल और कैसी चाल। ये राजा कौन है? आप राजा को नहीं जानते? संग्राम का जानी दुश्मन, वो संग्राम की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है। ये राजा रहता कहाँ है? वो जंगलों और पहाड़ों में रहता है। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो सीधे निकल जाइए, उसके साथ ही आपको पकड़ कर ले जाएंगे। मैंने स्वयंवर में जाने का फैसला कर लिया है। तुम्हें स्वयंवर में हिस्सा नहीं लेना चाहिए राजा। ये कैसे हो सकता है बिरजू? मैं स्वयंवर में हिस्सा जरूर लूंगा। ओहो राजा, तुम भी कमाल करते हो। अगर संग्राम ने तुम्हें पहचान लिया तो? तुम भी बुद्धू के बुद्धू ही रहे। अरे मैं वहां भेष बदल कर जाऊंगा। राजा, तो फिर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जरूर राजा। राजा, हम इस बूढ़े को पकड़ कर लाए। लाओ निकालो कितना माल है। हे राजा, वैसे बुढ़ा चौके से शरीफ आदमी मालूम होता है। इसे ले जाओ, छोड़ दो। मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया राजा, तुम्हारे गिरोह में शामिल होने के लिए आया हूं। हैं? राजा, है ये बुढ़ा तो एकदम चिपकू मालूम होता है। हमारे गिरोह में शामिल होना इतना आसान नहीं, इसके लिए तुम्हें सख्त इम्तिहान देना पड़ेगा। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। तो चलो, अभी पता चल जाएगा। राजा भैया, मालूम होता है इस बुढ़े के दिन पूरे हो चुके हैं। इस मजमे में और कोई जमा मर्द है?
जो शाही पहलवान का मुकाबला कर सके। मोतिया वाले असली उम्मीदवार होने हैं। तुम शाही पहलवान का मुकाबला करोगे? बादशाह पहलवान से साढ़े खब्बे हाथ की मार नहीं, असि तो छेर की धौन पाते ही है पापे। इजाजत है बादशाह? अच्छा तकलीफ बहुत है, इजाजत है। जय मेरे माला, जय मेरे माला, जय मेरे माला। Ah!
मोतियां वाले उन तोड़ दो कुड़ी को हमारे साथ जरूर, मगर शाही रस्म के मुताबिक हम पहले तुम्हें फूलों का हार पहनाएंगे। आउन दो बादशाह, फूलों में आउन दो। ले जाओ राजा को, हमारे सामने पेश किया जाए। हाजरीन दरबार, गद्दार राजा पर जो जुर्म साबित हुए हैं उनकी तफसील ये है। राजा ने हुकूमत के खजाने को लूटा, रियासत के कामों में रुकावट डाली, मुहाफिजों को कत्ल किया और वफादार प्रजा में बगावत की आग फैलाई। ये तमाम जुर्म देखते हुए मैं प्रजा की तरफ से महाराजाधिराज संग्राम से पुरजोर सिफारिश करूंगा, वो इस बागी को ऐसी सजा दें जो दूसरों के लिए बरतनाक साबित हो। राजा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो, हम इंसाफ करेंगे। तुम इंसाफ करोगे? तुम तो इंसाफ के नाम पर खुद एक स्याह धब्बा हो। खामोश। का राज धोखे से छीन लेना, गरीबों के झोंपड़े जलाना, अपना खजाना भरने के लिए रियाया से जबरदस्ती लगान वसूल करना, क्या यही तेरा इंसाफ है? तुम हाकिम में वक्त पे इल्जाम लगा रहे हो, इसकी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। मारना और बचाना तो मालिक के हाथ है, लेकिन याद रखो संग्राम, एक राजा मरेगा तो उसके लहू की हर बूंद से हजारों राजा पैदा होंगे।
देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। सेनापति, देश की भलाई के लिए हम मुजरिम राजा को सरे बाजार फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। हुक्म की तामील हो। महाराज, आपने राजा को सरे बाजार फांसी पर लटकाने का हुक्म क्यों दिया? इस तरह उसके साथी से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। राजा के साथियों को बनाने के लिए वो तो एक चाल थी सेनापति। वैसे फांसी राजा को पुराने किले में दी जाएगी। राजा को फांसी चौराहे पे नहीं दी जा रही, तो इसी वक्त ही खत उनके साथियों को पहुंचा दे। जी तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं, ये काम हम कर देंगे। राजा को इस जगह फांसी के लिए लाया जाएगा। बलवंत जी, तुम यहाँ से आना। कालू जी, तुम यहाँ से आना। बिल्कुल। और मैं अपने साथियों को लेकर यहाँ से आऊंगा। बिल्कुल ठीक। बलवंत, अपने सब साथियों से कह दो कि हम सब आधी रात को यहाँ से निकलेंगे। अच्छी बात है। यहां तो कुछ नहीं है। राजकुमारी जी कहां चली गई? राजकुमारी जी मालूम होता है राजकुमारी जी भाग गई है। चलो महाराज को खबर कर। चलो चलो, मैं यहां हूं। आप हैं? बिच्छू मिला? बिच्छू वहां तो नहीं है राजकुमारी जी। तुम्हें देख के भाग गया होगा, बहादुर सिपाही हो ना। चंदा बाहर आ जाओ, बिच्छू हमारे बहादुर सिपाहियों को देख के भाग गया है। अब आ भी जाओ ना, बेचारे बिच्छुओं से बहुत डरती है। तुम लोग जाओ। आइयो, कुछ देर के बाद इस चुराए पर राजा को फांसी दी जाएगी। आप लोग जानते हैं कि राजा को फांसी की सजा क्यों दी जा रही है? अगर आप नहीं जानते तो सुनिए, मैं बताता हूँ। राजा ने हुकूमत का खजाना लूटा, रियासत के सिपाहियों को कत्ल किया और वफादार प्रजा में बगावत की आग फैलाई और सैकड़ों के घर तबाह किए, औरतें बेवा कर दी, बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इससे मैं ज्यादा क्या कहूँ, मुझे रोना आता है। ये तो तमाम जुल्म बहुत ही खतरनाक है। ये तो हमारे महाराज अधिराज संग्राम की मेहरबानी है, उनकी नेकी की जिंदा मिसाल है कि उन्होंने राजा जैसे खतरनाक मुजरिम को सिर्फ फांसी की सजा दी है, वरना इससे भी ज्यादा कुछ और हो सकता था।
आयु, ये फांसी नहीं, ये आप लोगों के लिए एक नसीहत है। फैसला कर लो कि आज से आप लोग हमारे महाराज संग्राम के हमेशा वफादार रहेंगे और जो नहीं रहेगा उसे इसी तरह फांसी पर लटकाया जाएगा। हुकूमत से टकराने वाले को चूर चूर कर दिया जाएगा। भाइयो भाइयो, सुनते नहीं, कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? है। जिस तरह मेरी जिंदगी आज तक संग्राम के लिए एक जलजला थी, उसी तरह मेरी मौत भी उसके लिए तूफान बन जाए, जिसमें वो जालिम एक तिनके की तरह उड़ता हुआ दिखाई दे। रस्सी जल गई मगर बल न गया, लटका दो फांसी पर। गिरफ्तार कर लो इन्हें। Oh!
सब महल के तहखाने में। ये सब तुमने किया है। तुम्हें मालूम न था कि हमारी बहन भी हमसे गद्दारी करेगी। सेनापति, डाल दो इसे कैदखाने में। ये सब सही है महाराज, लेकिन ये आपकी बहन, आपका खून है महाराज। आज हमारे खून ने हमें धोखा दिया है, हम इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। अगर आप चाहें तो ये हमेशा के लिए आपकी नजरों से दूर हो सकती है। वो कैसे? हमारे साथ लगन मंडप में फेरे लेकर हम शादी के बाद इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। तकलीफ बहुत है। हो सेनापति, राजकुमारी की शादी का इंतजाम किया जाए। लेकिन लेकिन महाराज, हुक्म की तामील हो। फेरो, उन बागियों से राजा के अड्डे का पता चला? जी जी नहीं, लेकिन कोशिश जारी, हम खुद देखते हैं। तकलीफ बहुत है। बताया इसने? देखो, यह आखिरी मौका है। अगर राजा के अड्डे का पता तुमने नहीं बताया तो खत्म कर दिए जाओगे। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो जान से मार दिए जाओगे। मैं नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे जान से मार डाल। नहीं, संग्राम उन्हें मार डालेगा। टिंगू उन्हें मार डालेगा। लेकिन राजा भैया, वो लोग पुराने किले में भी नहीं है। सेनापति न जाने उन्हें कहां ले गया। ये मैं बताता हूं, वो लोग राजमहल के तहखाने में कैद होंगे। तुम ये कैसे जानते हो? मैं महल के हर राज, हर रास्ते से वाकिफ हूं। तुम कौन हो? मैं इस रियासत का बदनसीब हुक्मरान। महाराज, 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 अगर आप इजाजत दें तो मैं सारी रियासत में बगावत की आग फैलाकर उस गद्दार संग्राम और सेनापति को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ऐसा करना ठीक नहीं होगा राजा। हम निहत्ते हैं और वो हथियारबंद, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए हमें सोचना होगा।
आप लोगों को मालूम होगा आज राजकुमारी चंद्रलेखा का शुभ विवाह रियासत विजयगढ़ के राजकुंवर से हो रहा है। खानदानी रस्म और रिवाज के मुताबिक राजकुमारी राजकुंवर के गले में वरमाला पहनाएगी। उठो चंद्रलेखा। चंद्रलेखा ठहरो, ये जबरदस्ती की शादी नहीं हो सकती। तुम संग्राम को धोखा नहीं दे सकते। गिरफ्तार कर लो इसे। Hey!
Thank you.
आज हर देश को तुम जैसे बहादुर सपूतों की जरूरत है। तुम्हारी देशभक्ति की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये आपकी जर्रा नवाजी है महाराज। आज से तुम पांचों हमारे दरबार के पंच रत्न हो। महाराज अधिराज जिंदाबाद।